गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी ज्वाइन हो। बोर्ड दिख रहा है? देख लो, बोर्ड दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। जल्दी आ रहा है। क्या कर रहे हो? नहीं। अब तो डन यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 4। प्रेरणा सिंह ड्राइंग करो जल्दी। अभी तक ड्राइंग नहीं कर रहे हो। 5 मिनट्स आई हैव गिवन टाइम। ड्राइंग गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। अप टू क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डन यस्टरडे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सारे बच्चे तैयार हैं? सो क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 4 इज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। अ क्यूबिकल ब्लॉक क्वेश्चन नंबर 4 इज आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर साइड है। इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। इसके ऊपर क्या है? एक हेमिस्फीयर रखा गया। इसका जो फेस है, सब ब्लॉक का जो फेस है, ये जो है एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, इसी पे एक रखा हुआ है। तो क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। What is the greatest diameter of the hemisphere can have? So, जितना इसका face side होगा, side of the block is 7 centimeter. So, the greatest diameter of hemisphere कितना हो जाएगा? इसी side पे ना है, ऊपर वाले face पे है. 7 centimeter. ठीक है, रखा हुआ side इसका जो face है इसका क्या हुआ है? 7 centimeter का block का side है. Diameter of hemisphere.
एरिया निकालना है। तो सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, इस क्यूबिकल ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकाल कर प्लस एरिया स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, और हेमिस्फीयर का निकाल उसको जोड़ देंगे और माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो बेस है जो हिस्सा है ये सर्कुलर है, ये ब्लॉक पर है, ये जो हिस्सा ये तो उसी में है, क्या करें, जैसे ही जैसे कि किसी चीज हमारा सरफेस है, सरफेस पे जो हम कोई भी चीज को पुट करते हैं, सपोज वी पुट द, ये इस पर हम लोग ये तो ये जो नीचे का जो है ये तो इसी पर ये कवर कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देते हैं, बेस का एरिया को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, समझ रहे हो। तो देयरफॉर पहला पार्ट निकलेगा साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, therefore greatest diameter of hemisphere will be greatest diameter of hemisphere will be 7 सेंटीमीटर, ये हमारा फर्स्ट, ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, एक सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस इस बेस का एरिया, इस पे ये सपोर्ट है, एक बेस का जो है हेमिस्फीयर का बेस को जो है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो तो उसी पे रखा हुआ है, इसपे रखा हुआ है, इसका एरिया जो कवर कर रहा है, इसलिए हम लोग उसके एरिया को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे therefore, देखिए therefore टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लियर नहीं थी, क्लियर आवाज नहीं आ रही है, ओके तो देखते हैं दिक्कत हो गया क्या। ठीक है, देखो अब आवाज आ रही है, हमारा माइक ये हो गया था, 6 into आवाज आ रही है बेटा, बताओ अभी, ओके यस मैम, तब ये हो गया हमारा, तो 6 into साइड स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा बेस का ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस बेस एरिया इज πr². अब हमारा बताइए डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमारा कितना था, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है बताइए, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना था 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विल बी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, इसमें लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ हम लोग 6 into साइड इज 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 into 22/7 into 7/2 ये हो जाएगा इसका, और प्लस 22/7
इंटू सेवन बाई टू इंटू सेवन बाई टू, टू टाइम्स। अब देखो कैंसिल होता है, एक सेवन कैंसिल कर दिया, टू से टू कैंसिल कर दिया। सिमिलरली यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दिया, टू से इलेवन कर दिया। अब तो नहीं होगा, अब सेवन सेवन का क्या हो जाएगा, फोर्टी नाइन। सिक्स इंटू फोर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू पाई आर स्क्वायर भी तो है, यहाँ पर एक और सेवन हो जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर है तो एक सेवन से एक सेवन कैंसिल हो गया, एक टू से टू कैंसिल हो गया, तो ट्वेंटी टू इंटू सेवन, ट्वेंटी टू इंटू सेवन कितना हो जाएगा, सेवन टू जा, ये फिर टू से भी कैंसिल कर सकते हैं इलेवन। हाँ देखो यार, इलेवन टू से इलेवन से भी कैंसिल कर देते हैं, इलेवन सेवन जा सेवेंटी सेवन, तो ये हो गया। एंड प्लस यहाँ देखिए इलेवन सेवन जा सेवेंटी सेवन, सेवेंटी सेवन बाई टू, टू पाई आर स्क्वायर, आर से आर ये कट गया, टू से टू कैंस किया, इसी तरह से सेवन बाई टू। हाँ ठीक है, सेवेंटी सेवन बाई टू ये हो जाएगा हमारा सेवेंटी सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व हो जाएगा सिक्स इंटू फोर्टी नाइन, सिक्स नाइन सा फिफ्टी फोर एंड सिक्स फोर सा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस फाइव नाइन्टी फोर, नाइन्टी फोर ये हो गया टू हंड्रेड 94। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट हमारा क्या बच गया है, प्लस 77 और 77 बाय 2, प्लस 77 है, प्लस 77 एंड यहाँ 77 बाय 2 को हम लोग अगर डेसिमल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 1 2 8 जा 16, 38.5। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, अब तीनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए ऐड करके देख बताइए आप लोग कितना आता है, तीनों को ऐड कीजिए और बताइए कितना आता है। मैम लास्ट में क्या है, यहाँ तो माइनस करना होगा ना, इसको माइनस करना होगा, हाँ यहाँ से इसको माइनस करना होगा, देखिए यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पे यहाँ देखिए 294 प्लस 77 माइनस 38.5, ये दोनों को कर्व्ड सरफेस एरिया और ये टोटल सरफेस एरिया दोनों को जोड़ के और बेस के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ माइनस कीजिएगा, माइनस मैम 332.5, लेकिन उसको माइनस किए 38.5 को माइनस हुआ, माइनस किए तो 38.5 माइनस हो गया ना, तो कितना आया तुम्हारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, ये फोर और इसके बाद भी एक और क्वेश्चन है, ये भी सेम टाइप का है। एक है देखो इसको अगेन, ये फिगर समझ जाओगे तो प्रॉब्लम समझने में आसानी होगी। एक क्यूब है, क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, उसके एक फेस पे क्या है, एक वो रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो बताइए कि सबसे पहले कि कितना ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। तो क्योंकि ये साइड है हमारा सेवन सेंटीमीटर, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हमारा हो जाएगा, इसी पे रखा हुआ है, ऊपर के एक फेस पे रखा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर विल बी सेवन सेंटीमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। इससे हमने रेडियस निकाल दिया, डायमीटर हो गया सेवन सेंटीमीटर, सो रेडियस इज सेवन बाई टू। अब निकालना है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ये पूरा क्यूबिकल ब्लॉक के टोटल सरफेस एरिया में से प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस ये जो बेस पे ना रखा हुआ है, बेस को तो वो ढक ही रहा है, वो तो अलग से उसको नहीं करेगा, इस पर हम लोग रख रहे हैं तो ये तो पूरा हमारा ढक रहा है, तो इसका जो एरिया है उसको हम लोग बेस के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर फोर था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे, ये बच्चे ये क्वेश्चन हो गया सभी का, क्वेश्चन नंबर फाइव अब हम लोग देखते हैं। ये देखिए इसका कैलकुलेशन देख लो, बोर्ड दिख रहा है सभी को, आगे और हम लोग क्लोज ला रहे हैं, बोर्ड दिख रहा है बेटा, ओके इसको नोट कर लीजिए। अब नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव हम लोग करेंगे, जब ये बता दो तुम लोग बताओ, परमिशन दो इसको रब किया जाए, क्वेश्चन नंबर फोर को हम लोग मिटाए तुम लोग फाइव बनाएंगे, बोलिए ये नोट हो गया तुम्हारा, सारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव इज अ हेमिस्फेरिकल
डिप्रेशन, डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल. क्या बोल रहे हो? ओके, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आवाज मेरी आ रही है? बताइए, आवाज सुनाई पड़ रही है सभी को? यस मैम. यस मैम. एक बच्चा बता रहा है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए मैंने पूछा तभी से. तो देखिए, तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम होगा बेटा. अब क्वेश्चन नंबर 5 इज, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक. एक वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है. सपोज ये हमारा वुडन ब्लॉक है, क्यूबिकल शेप का है वो. उसका एक फेस से, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूब में से, एक ब्लॉक ऑफ क्यूब है, क्यूब शेप का है, उससे एक फेस में से, यानी कि ऊपर के फेस में से एक हेमिस्फेरिकल शेप को कट कर दिया जाता है. एक हेमिस्फेरिकल शेप हमारा, इससे हम लोग क्या करते हैं, एक कट कर लेते हैं. एक क्यूबिकल ब्लॉक से हम लोग क्या करते हैं, एक हेमिस्फेरिकल शेप को हम लोग कट कर देते हैं. ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल शेप को हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं. इस ये देखो, ठीक है, ये देखिए डिप्रेशन है. कहता है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक. एक वुडन ब्लॉक है तुम्हारा, उसमें से एक फेस, ऊपर वाले फेस में से हमने एक हेमिस्फेरिकल शेप को हमने कट कर दिया इस ब्लॉक में से. इससे कुछ इस तरह से बन रहा है. ठीक है, इस तरह से कुछ फिगर बनेगा. इसमें से कट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से हमने एक फेस में से, एक अंदर में से हमने कट कर दिया. ठीक है, अब कट कर दिया. अब क्वेश्चन क्या है देखिए, such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Diameter जो है इसका, इसका जो edge का जो diameter होगा hemisphere का, ये हमारा कितना है, L है. Diameter of hemisphere क्या है? Diameter of hemisphere, diameter of hemisphere is equal to edge of the cube. ये cube के edge के बराबर है. Diameter of hemisphere is equal to एज ऑफ द क्यूब. लेट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर को हम लोग एल मानते हैं, देयरफॉर एज ऑफ द क्यूब, क्यूब का साइड भी हमारा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, एल ही हो जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब. एल मान लेते हैं, एल सेंटीमीटर. ये डायमीटर हमारा है, पूरा एल है, तो इसका रेडियस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, एल बाई टू. ये भी हो जाएगा L by 2. ठीक है, यही हो गया हमारा. अब आगे क्वेश्चन देखिए, एज ऑफ द क्यूब. डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. ठीक है, तो हम लोग इसको भी इसी तरह से करेंगे. ये देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बचा हुआ, यानी कि एक ब्लॉक है, एक एक क्यूबिकल ब्लॉक में से अगर हम उसका एक फेस में से एक हेमिस्फेरिकल शेप को कट कर देते हैं, तो बताना है कि व्हाट इज द, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. बचा हुआ जो पोर्शन, उसमें से जो हम लोग हेमिस्फेरिकल शेप को कट कर दिया है, तो बचे हुए जो सॉलिड बने उसका सरफेस एरिया क्या होगा. तो रिमेनिंग सॉलिड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबिकल ब्लॉक में से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को निकाल लिया. जब इसको निकाल देते हैं, तो इसका ये जो फेस जो है, जो कटिंग जो है, ऊपर का जो शेप जो है, सर्कुलर फेस, जब हम लोग ब्लॉक में से, लकड़ी के ब्लॉक में से एक हेमिस्फेरिकल शेप को कट कर देते हैं, तो उसका तो शेप तो कट कर दिया, तो जो अंदर वाला हॉलो पोर्शन में से, तो ये जो ऊपर वाला फेस में से ये जो सर्कुलर पोर्शन जो है वो तो उसका बच जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर जिसमें से हमने कट किया है, और माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, जो जो उसका शेप जो बच गया है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं. ठीक है, वो जो हॉलो
पोर्शन जो हम लोग उसको ब्लॉक में से एक हेमिस्फेयर काट कर जो निकाल लिया, तो वो हमारा गोलाई तो बच जाएगा जिस शेप का था ऊपर वाला, सर्कुलर पोर्शन तो वो जो हमारा वो शेप में रह जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो हम लोग इस बात को लिखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू remaining solid is equal to total surface area of cube, total surface area of cubical block is equal to total surface area of cubical block, pura block jo hai cubical block mein se hum log kya karenge, curved surface area of hemisphere ko add karenge, curved surface area of हेमिस्फीयर इसको जोड़ के और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया, देखो यहाँ पे बना रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, साइड हमारा एल है, तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक यानी कि 6 into n square, ठीक है, एंड प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr², r इज इक्वल टू l/2 into l/2 माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस ऑफ हेमिस्फीयर इज πr², पाई इंटू l/2 into l/2, यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको 6a² अब देखिए यहाँ पर 6l² प्लस 2πr², ये देखो इसको हम लोग इस तरह से l/2 r 2πr² में से, जैसे कि यहाँ हमारा हो गया 6 into side² 2πr² माइनस πr², तो क्या बच जाएगा πr², तो पाई इंटू l/2 into l/2 ये बच जाएगा, यानी कि 6 into l² प्लस पाई का वैल्यू पुट कीजिए और l² / 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई का वैल्यू पुट कीजिए, l को कॉमन ले लीजिए और बनाइए इसको, l² को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, l² कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, 6 into 6 plus 1/4 pi, यही बचेगा ना, 6 यानी के 24 pi यानी के l² यानी यहाँ हो जाएगा l² कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा 6 4 24 plus pi l² / 24 plus pi यही / 4 यही हमारा cm², यही हमारा आंसर हो गया। देखो बच्चे इसको ध्यान से देखो, ये समझ में आया ये क्वेश्चन, देखो इसको बोर्ड दिख रहा है, देखो इसको ठीक से देखिए, हमने क्या किया, टोटल क्यूबिकल ब्लॉक में से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को जोड़ के और जो इसका बेस था एरिया ऑफ हेमिस्फीयर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया 6 side² इसका होता है 2πr² माइनस πr², तो 2πr² माइनस πr² क्या बच जाएगा, πl² / ये हो जाएगा l² / 4 हो जाएगा। अब l² को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 6 बचा प्लस 1/4 pi, तो इस एलसीएम लेते हैं तो 6 4 24 plus pi/4, दिस इज योर आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, नोट डाउन,
नोट कर लीजिए इसको। उसी तरह से है क्वेश्चन नंबर सिक्स, पहले इसको नोट कर लिए बच्चे। ब्लर ब्लर है, देखो ब्लर आ रहा है, देखो नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, देखो ठीक आ रहा है, देखो शब्बीर देखिए बेटा कुछ आ रहा है, दिख रहा है बोर्ड, दिख रहा है आपको, देखिए नोट डाउन। सारे बच्चे दिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया सभी का, बताइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे। यस मैम। ओके शब्बीर लिख रहे हो, बोल नहीं रहे हो, ओके देखो अब हम लोग अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज फिगर बना हुआ है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच अदर ऑफ इट्स एज एंड्स। एक कैप्सूल है, उसके देखो फिगर भी तुम्हारा बना हुआ है, एक मेडिसिन कैप्सूल है वो किस शेप का है, इट इज द शेप ऑफ सिलेंडर और उसके दोनों एंड पे क्या है, हेमिस्फेयर उसके स्टक स्टिक किया गया है दोनों एंड पर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ये है सॉलिड्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, यही लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन इज एक कैप्सूल है इस शेप का और इसके दोनों एंड पे क्या है, हेमिस्फीयर स्टक है। ये है, दिस इज योर फिगर, ठीक है ये हमारा फिगर है। टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज, टोटल लेंथ इसका कैप्सूल यानी कि यहां से लेकर के यहां तक टोटल लेंथ इसका कितना दिया हुआ है बताइए, 14 मिलीमीटर, टोटल लेंथ हमारा है 14 मिलीमीटर, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर ये दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए कहता है कि डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, अब यहाँ देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका डायमीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर डायमीटर ऑफ द ये इसका दिया हुआ, उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, 5 मिलीमीटर दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 मिलीमीटर दिया हुआ है तो बताइए कि इसका क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन 5 मिलीमीटर, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बताइए, रेडियस कितना हो जाएगा, 5 बाई 2 मिलीमीटर। और उसी तरह से ये टोटल लेंथ तुम्हारा कितना है, टोटल लेंथ कितना है, 14 है, तो 14 में हम लोग यहाँ से यहाँ तक सब्ट्रैक्ट कर दो, 5/2 और 5/2 दोनों को माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा बताइए, 14 माइनस 9, तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 9 मिलीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो हम लोग इसी बात को लिखेंगे, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है, हेमिस्फेरिकल एंड एंड इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, देयरफॉर इट्स रेडियस बराबर कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 5/2 मिलीमीटर, ठीक है। और हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट को हम लोग घटा देते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, उसको दोनों को माइनस करो तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5/2 और 5/2 मिलके क्या हो जाएगा, 5, यानी के 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर ये हो गया।
अब हमारा निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ, व्हाट इज द, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, यानी कि 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, जितना ये होगा उतना ये, तो 2 से हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस, यहां देखो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आर का और एच का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसमें से देखो कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा बताओ, तो 2 पाई आर हम लोग अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 2 पाई आर यहाँ भी है और 2 पाई आर यहाँ भी है, तो एक आर बच जाएगा और एक 2 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा एच प्लस 2 आर बच जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, देखिए टू इंटू पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 5/2 एंड एच इज इक्वल टू 9 प्लस 2 इंटू 5/2, ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, अब बताइए कितना होगा 22/5 = 110/7 इंटू 9 + 5 = 14 और ये कट गया तो कितना हो जाएगा 220 cm². देखो कितना आता है, तुम लोग का कितना आता है मिलीमीटर स्क्वायर, ये मिलीमीटर में यूनिट है 220 मिलीमीटर, हाँ 220 मिलीमीटर² ये समझ में आया, देखो कैलकुलेशन हमने किया है, हाँ ओके देखो ध्यान से देख लो फिर से, हम लोग यहाँ से देखो फिर से दिखा रही हूँ मैं, देखो यहाँ पर ये फिगर है तुम्हारा, एक हेमिस्फीयर, एक है सिलेंडर है, इसके दोनों एंड पर एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और टोटल लेंथ ऑफ दिस कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 5 मिलीमीटर, तो फर्स्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 5 मिलीमीटर, सो रेडियस विल बी 5/2 मिलीमीटर एंड अगेन हाइट, ये देखो रेडियस 5/2 है, यहाँ भी 5/2 है, तो टोटल में से 5/2 और 5/2 तो 5 हो जाएगा, तो 14 - 5 = 9 मिलीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट हो जाएगा 9 मिलीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये निकाल लेंगे हम लोग, तो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRh प्लस 2 इंटू 2πr², यहाँ से देखो h हमने 2πr कॉमन ले लिया तो h प्लस 2r बचा, अब h और 2r में हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, h इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड रेडियस इज इक्वल टू 5/2, तो हाइट इज इक्वल टू 9 एंड अगेन 2r, ये कैंसिल कर दिया 220 मिलीमीटर², दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 कौन सा था, ये 6 था ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 टाइम है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 इज अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, एक टेंट है वो किस शेप का है, सिलेंडरिकल शेप का है, देखो इसका फिगर बना मैं बता देती हूँ और तुम लोग से बन जाएगा ये, इट इज द बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड है, तो ये कहता है कि देखिए इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम लोग समझा रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर सेवन इज अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, एक टेंट है ये किस शेप का है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में है एंड सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, इसके ऊपर क्या है, एक कॉनिकल टॉप है, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, उसके ऊपर क्या है, एक कॉनिकल टॉप है, ठीक है,
surmounted by a conical top. ठीक है. If the height of the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter. Height and diameter. Height and diameter of the cylindrical part. Cylindrical part का तुम्हारा height दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? H is equal to 2.1 meter. And diameter of cylindrical part is दिया हुआ है तुम्हारा 4 meter. And the slant height of the top is 2.8. ये slant height L. L दिया हुआ है 2.8 meter. ठीक है. तो कहता है कि एंड दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ रुपीज 500 पर मीटर स्क्वायर. तो ये देखिए हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालते हैं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालना है तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. ठीक है. ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ